दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप इसको 2 मिनट के अंदर हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और ये क्यों आता है। दोस्तों, कॉपीराइट क्लेम तब आता है जब आप किसी दूसरे यूट्यूबर का कंटेंट या म्यूज़िक वगैरह अपनी वीडियो में यूज़ करते हैं और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, तो आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। दोस्तों, इसको कैसे हटाते हैं, इसके हटाने का तरीका अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर ना हटाएं तो क्या होगा? हाँ, ना हटाएं तो आपके साथ दो मसले होंगे। पहले नंबर पर यह मसला होगा कि उस वीडियो से जितना भी वॉच टाइम आएगा वो मोनेटाइजेशन के टाइम पे काउंट नहीं होगा। दूसरे नंबर पे जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो जिस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया होगा उस वीडियो पे जितने भी व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ आने के बाद जो ऐड आएंगे और ऐड से जो अर्निंग होगी वो आपको नहीं मिलेगी, वो जिसका आपने कंटेंट या म्यूज़िक यूज़ किया है उसको मिलेगी। ये नुकसान होगा। अब चैनल पे क्या बुरा असर पड़ेगा? चैनल पे कोई भी बुरा असर नहीं पड़ने वाला है, जैसे कि कोई डिलीट ना हो जाए या व्यूज़ डाउन ना हो जाए या रीच कम ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वॉच टाइम का मैंने आप लोगों को बता दिया, मोनेटाइजेशन का भी आपको बता दिया कि जो पैसे बनेंगे वो उसको मिलेंगे। क्या वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए? तो दोस्तों, वीडियो को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बस तरीका सीख लेना है और 2 मिनट के अंदर कॉपीराइट क्लेम को हटा देना है। अब मैं दोस्तों आपको जल्दी जल्दी से बताता हूँ कि ये कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाते हैं। दोस्तों, ये YT स्टूडियो मैंने खोला है और यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है कि इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर जस्ट डेमो के लिए एक म्यूज़िक यूज़ किया है, गाना, जिसकी वजह से ये कॉपीराइट क्लेम थोड़ी सी जगह पर आ गया है जहाँ जहाँ मैंने गाना यूज़ किया है। अब उसको कैसे ख़त्म करना है? सबसे पहले दोस्तों आपने क्रोम को खोलना है। जैसे क्रोम खोलेंगे ऊपर आपने सर्च करना है YouTube.com। ये देखें YouTube.com। तो जैसे ही दोस्तों आप YouTube खोलते हैं तो यहाँ पर आपने देख लेना है कि आपकी ID ओपन होनी चाहिए। अगर खुली है ठीक है, नहीं तो आपने लॉगिन कर लेनी है अपना पासवर्ड और ईमेल डाल के। यहाँ पर आप दबाएंगे तो आगे योर अकाउंट, और दोस्तों आपको इतना पता होगा, तो आगे दबाते हैं और यहाँ पर आपने लिखना है ऊपर दबा के, वो यानी कि बैक कर देना ऊपर वेबसाइट वाली जगह पर जहाँ वेबसाइट को लिखते हैं, studio.youtube.com। तो आपने इसको सर्च करना है, कंटिन्यू टू स्टूडियो पे दबाना है। तो दोस्तों इस तरह क्या होगा कि YouTube स्टूडियो खुल जाएगा। ये आपने दूसरे वाले पे दबाना है। यहाँ पर दोस्तों दबाएंगे तो ये आपको कॉपीराइट क्लेम नज़र आ रहा होगा, आपने कॉपीराइट क्लेम पे दबाना है, सी डिटेल पे दबाना है। दोस्तों यहाँ पर दबाएंगे तो इस तरह का कुछ पेज हमारे सामने खुल के आ जाएगा और यहाँ पर ये हमें दिखाएगा कि कितनी जगह पर हमारा कॉपीराइट आया है। ये जो डब्बा बना हुआ है ना दोस्तों, यहाँ पर हमारा सिर्फ कॉपीराइट आया है, बाकी जगह पे नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पर ही गाना यूज़ किया है। तो दोस्तों इसको कैसे ख़त्म करेंगे, सिलेक्ट एक्शन पे आपने दबाना है और जैसे ही यहाँ पर दबाते हैं तो आपके सामने तीन आती हैं। पहला लिखा हुआ है ट्रिम आउट सेगमेंट, यानी कि इस हिस्से को ही काट दो। म्यूज़िक तो कटेगा साथ आपकी जो वीडियो है वो भी कट जाएगी, तो अगर आप चाहते हैं तो पहले पर दबाएँ। दूसरे नंबर पर रिप्लेस सॉन्ग, यानी कि इसकी जगह पे आप कोई दूसरा सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं कर सकते, आपको YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी वहां पे खुलेगी और उनके म्यूज़िक में से कोई आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पे म्यूट सॉन्ग, यानी कि आप उस सॉन्ग को ही बंद कर दें तो आपकी आवाज़ जो है वो भी बंद हो जाएगी और जो पीछे म्यूज़िक आपका लगाया हुआ है वो भी बंद हो जाएगा, बस आपकी वीडियो चलती रहेगी। तो आपने देख लेना जिस हिसाब से आपको बेहतर लगे आपने कर लेना है। तो पहला तो बहुत आसान है, दबाएंगे तो वो कट जाएगा, नीचे वाला दबाएंगे तो म्यूट साउंड हो जाएगा। मैं आपको सेंटर वाला बताता हूँ कि रिप्लेस कैसे करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने म्यूज़िक खुल जाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों ये म्यूज़िक काफ़ी सारे खुल चुके हैं, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का म्यूज़िक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप सुन भी सकते हैं कि म्यूज़िक कौन सा है और क्या लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये म्यूज़िक प्ले हो चुका है, आपने ऐड पे दबाना है। ऐड पे दबाएंगे तो इसको मैं बंद कर देता हूँ एक दफ़ा। हाँ, ऐड पे दबाएंगे तो ये देखें ऊपर आपको नज़र आ रहा है वो जो हमारा सॉन्ग था और नीचे ये म्यूज़िक ऐड हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपने सेव पे दबा देना है और यहाँ फिर सेव पे, यहाँ पर लिखा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद क्या होगा कि आपका जो कॉपीराइट क्लेम है वो हटा दिया जाएगा, यानी कि ये म्यूज़िक हटा के जो आपने सुना है वो वाला लगा दिया जाएगा। तो यहाँ अभी थोड़ी प्रोसेसिंग चल रही है, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर कट पर क्लिक कर देंगे ऊपर। हाँ, अब दोस्तों ये देखें यहाँ पर ना
प्रोसेसिंग चल रही है, तो ये तकरीबन 10-12 मिनट लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ, उतना हिस्सा फिर काट देंगे वीडियो में से। तो यहाँ पर फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि कॉपीराइट क्लेम हट गया है। तो फाइनली दोस्तों कॉपीराइट क्लेम हट चुका है, यहाँ पर नन लिखा आ गया है। तो दोस्तों कॉपीराइट क्लेम हटाने के लिए जो सेटिंग की जाती है उसमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन प्रोसेसिंग थोड़ा टाइम ले जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगता है उसके बाद, लेकिन हट जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।